Welcome to my YouTube channel, Ajivatta. This is Anand here. Dear student, today I am going to talk about Class 8, Bihar Board, Chapter number 1, Hindi, Tu Jinda Hai To. आज हम आपको first chapter जो तू जिंदा है तो उसको explain करने वाले हैं, व्याख्या करने वाले हैं, बताने वाले हैं आपको इस chapter में कहा क्या गया है. जो first chapter है, आपका first chapter का नाम है तू जिंदा है तो. First chapter का नाम है तू जिंदा है तो. इसको हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं. चलिए पहले देखते हैं ऊपर में जो दिया गया है समरी जिसको कहते हैं, वार्मर जिसको कहते हैं, वो दिया गया है कि तू जिंदा है तो गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है. इस जीवन राग में अतीत दुखदाई पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का नया स्वागत करने का प्रेरणा दिया गया है. इस कविता में आशा और किरण की नई प्रेरणा का स्रोत दिया गया, बताया गया. ठीक, इसी को आज एक्सप्लेन करेंगे. चलिए पहले पंक्ति में ये कहता है कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर. अगर तू जिंदा है तो कवि जो है शंकर शैलेंद्र ये हम लोगों से कहते हैं कि अगर तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, विश्वास कर कि जिंदगी में विनर जरूर बनेगा, तुम जीतोगे जरूर. अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर. कवि के अनुसार कहना है कि अगर आपको कहीं लगता है कि स्वर्ग है, तो उसको क्या करें, जमीन पर उतार कर प्रदर्शित करें, आप दिखाएं. या सभी के अनुसार कहना है कि यहाँ पर जो स्वर्ग और नर्क जो है वो यही धरती पर ही है. कहाँ है, धरती पर ही स्वर्ग नर्क आपको भोगना है. स्वर्ग कहीं ऊपर आसमान में आपको मिलने वाला मृत्यु के बाद नहीं है. ये कवि इसमें कह रहे हैं, ये गम के और चार दिन, सितम के और चार दिन. ये गम दुख तकलीफ का जो दिन है चार दिन का होता है, सुखी संपन्नता जीवन प्राप्त होने वाली. ये गम के और चार दिन, सितम ये दिन भी जाएंगे गुजर गए हजार दिन. कवि कहते हैं कि चार दिन के गम होते हैं, सितम होते हैं, दुख होते हैं, तकलीफ होते हैं, और दिन इतने सारे दिन, कई दिन गुजर गए तकलीफ आकर के, दुख आकर चली गई. कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर. अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर. तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर. कवि का कहना है कि कहीं अगर इतना जो दुख तकलीफ हम झेलते हैं तो कभी भगवान मेरे तरफ जरूर लौट कर देखेंगे कि क्या तकलीफ, क्या दुख दर्द है, ये सब कभी हमारे चमन पर भी कभी बहार की नजर होगी. अगला पंक्ति है कि सुबह सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर. सुबह और शाम में जो सूर्य की लालिमा होती है जिस प्रकार, उसी प्रकार उसको चूम कर. तो सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर. हरियाली खेत में प्रकृति के द्वारा जो दर्शाए गए हमारे चारों साइड नेचर की जो सद्भावनाएं हैं वो कब से झूम झूम कर गा रही है. तो आ मेरा सिंगार, हमारे सपने जो है आकार करो, सजाओ, तो मुझे बनाओ. अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर. तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर. ये कवि शंकर शैलेंद्र अपने वाणियों में कहते हैं. ठीक है, आगे देखेंगे. तीसरा पंक्ति है, हजार भेष धर कई तरह की आपको विपत्तियां दिखाई देती है, कई तरह की मृत्यु की संभावनाएं आपको दिखाई देती है, कहीं सांपों से, कहीं पहाड़ों से गिर के कटके लगता है कि मृत्यु आ गई है. ठीक है, मगर तुझे न छल सकी, चली गई उहार कर. लेकिन वो मृत्यु आपको कभी छल नहीं सकती है, कभी मारती नहीं है, वो हार कर चली जाती है. नई सुबह के संग सदा मिले तुझे नई उम्र. और इसी प्रकार जैसे सपनों से जग के हम देखते हैं कि हमें कुछ नहीं हुआ है, उसी प्रकार आपको ये टेंशन से भी खत्म जिंदगी हो करके आपको नया जीवन मिलेगा, अच्छा सुख मिलेगा. अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर. तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर. कवि शंकर शैलेंद्र इसमें कह रहे हैं बार बार कि अगर आप मनुष्य है तो मनुष्य को हर एक सुख दुख का तकलीफ का भोगना पड़ता है. तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर. चौथी पंक्ति है, हमारे कारवां को मंजिल का इंतजार है. कवि कह रहे हैं कि हमारे कारवां को जो सपने हैं उसको मंजिल का इंतजार है. ये आंधियों, ये बिजलियों की पीठ पर सवार है. इसके सामने कोई आंधी बिजली कितना बड़ा भी कष्ट आ जाए ये झेलने को तैयार है, ये कष्ट को पीड़ा को सहने को तैयार है.
तुआ कदम मिला के चल चलेंगे एक साथ हम। कभी इसमें कह रहे हैं कि सपनों को, सपना कह रहा है कि तू आ कदम से कदम मिला के मेरे साथ चल, हम तेरे साथ चलेंगे, तू जो चाहता है वो तुझे प्राप्त करके देंगे। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, ये कवि का कहना है। पांचवा पंक्ति है आपको कि जमी के पेट में पली अगन पले हैं जल जले, जैसे भूमि के अंदर कई भू ज्वालामुखी भूमिगत भूस्खलन से ये सारी चीजें अंदर पले पड़े हैं, टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज ये, चाहे कितना भी दुख तकलीफ हमको हो ये मेरे इसके सामने कुछ टिकने वाले नहीं है। मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर। कह रहा है कि सारे मुसीबत सारे दुख तकलीफ को सर कुचल करके हम आगे अपने सपने को साकार करने के लिए बढ़ेंगे, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। लास्ट स्टेंजा है आपका कि कहता है कि बुढ़े हैं आग पेट की, बुढ़े हैं दिल के दाग ये, कि हमारे पेट की जो आग है, भूख है, जो लालसा है, बहुत बुढ़े हैं, और हमारे दिल पे जो लगे दाग हैं वो भी बहुत बुढ़े हैं। न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये कभी दबने वाले नहीं है, ये एक दिन उभर करके ऊपर जरूर आएगा। गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर ये जुल्म ढाने वाले ये दुख तकलीफ सब बंद हो जाएंगे, गिर जाएंगे, ये उदाहरण के तौर आपको बता रहे हैं, और बनेंगे फिर नवीन घर, नया घर फिर से बनेगा, आपको नया जीवन मिलेगा सुख का। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की बता रहे हैं कि जिंदगी अगर मिली है तो चार दिन की दुख है उसके बाद सुख आपको मिलेगा ही, अगर तकलीफ है तो उसके बाद सुख आपको मिलेगा ही, इससे उत्तेजित नहीं होना है, उससे घबराना नहीं है, इसको आगे अच्छे से इसको सर्वाइव करके चलना है। नीचे कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, उन शब्दार्थों का आप देखें, जैसे यकीन, यकीन मतलब भरोसा होता है, सितम मतलब जुल्म, गुजर मतलब बीतना, चमन मतलब होता है बाग या फुलवारी, चमन मतलब बाग या फुलवारी, बहार का मतलब होता है शोभा या सुंदरता, जुल्म का मतलब अत्याचार, जैसे किसी पर हम अत्याचार करते हैं, जुल्म करते हैं, श्रृंगार का मतलब होता है श्रृंगार जो सजावट होता है, कारवा मतलब काफिला जो हमारा सपना है वो, जमी मतलब जमीन, अगन मतलब होता है आग, अगन मतलब आग, जल जले का मतलब होता है भूकंप, जल जले का मतलब भूकंप, स्वराज मतलब अपना राज। ये सभी आपकी कविता थी, और आगे आपको इस क्वेश्चन का आंसर अगर चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, हम इसके अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता करके लिख करके आपको नोट बना करके देंगे और प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट चैप्टर था आपका बिहार बोर्ड, ये बिहार बोर्ड अगर नन हिंदी रखेंगे टेंथ में तो ये काम आता है, और टेंथ एट तो ये है, तो अगर टेंथ में भी रखेंगे नन हिंदी मैथिली के साथ तो ये आपको काम आएगा, इसलिए एट में ठीक से पढ़ना है। ये कविता आप लोगों को था, ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, टिल देन बाय, टेक केयर।